गत दिन उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने आबकारी अधिनियम में कुछ अहम परिवर्तन करते हुए नई धाराओं को जोड़कर अब ऐसा प्रावधान किया है कि अगर शराब पीने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। इस संबंध में पेश है गोरखपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने लगातार शराब से हो रही मौत को मात देने के लिए अब एक अहम फैसला करते हुए इस पर रोक लगाने के लिए बहुत ही सख्त नियम का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में निर्णय पारित किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी शराब से मौत होती है तो संबंधित व्यक्ति को सजा के तौर पर दी जाएगी सजाए मौत। जी हाँ, सही सुना आपने, अब शराब से मरने वालों को बतौर इंसाफ के तौर पर उनके दोषियों को मिलेगा कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा। योगी सरकार ने 1910 के आबकारी नियमों में दर्जनों फेरबदल करते हुए कई धाराओं को जोड़ा है और कई को निकाल भी दिया है। इसी के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति शराब पीने से स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है तो दोषी व्यक्ति को यानी शराब बेचने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10,00,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा और अगर व्यक्ति की मौत हो गई तो उसका फांसी पर चढ़ना तो तय है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह के कड़े कानून हैं और यहीं पर दोषी व्यक्ति को सजाए मौत का फरमान भी सुनाने का कड़ा फैसला लिया गया है। वैसे तो 29 राज्यों में से केरला, गुजरात और बिहार में सरकार ने शराबबंदी की है, लेकिन भारत में इकलौता यूपी ही एक ऐसा राज्य होगा जहां पर शराब से हुई मौत पर दोषी व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। जब इस बारे में गोरखपुर न्यूज ने आबकारी विभाग के एसपी राव से बात की तो इसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा, क्या अधिनियम में कुछ चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है आबकारी अधिनियम में? अधिनियम में काफी चेंजेस किए गए हैं और उसको बहुत ही सख्त बनाया गया है। विशेष करके जहरीली शराब से मौतों के नाम पे बहुत सारे लोग कच्ची शराब में मिथाइल अल्कोहल मिला के पिलाते हैं, इंसान पटने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाया गया है। अब ऐसा कृत्य करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सजा हो सकती है। ये क्या सभी तरह की शराबों पे नियम लागू होगा? जहाँ भी जहरीली शराब से मौत होने का कारण तथ्य प्रकाश में आएगा वहाँ इस क्लास को कृत्य किया जाए। ये कब से, मतलब ये था, कब संशोधन हुआ था? 1910 से ये शायद था और प्रावधान में कभी संशोधन नहीं हुआ। हाँ, योगी सरकार ने किया जी, हाँ, ये पिछले अक्टूबर में शायद हुआ था, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं, ठीक, लेकिन अक्टूबर 17 में हुआ। अब फांसी होगी? जी हाँ जी, पहले जो है जो जुर्माना था वो काफी कम था, उसकी राशि को भी कई गुना बढ़ा दिया गया। तो सुना आपने, योगी सरकार के कड़े फैसले को दो तरीकों से देखा जा सकता है। पहला कि जहरीली शराब बनाने वाले अब इसके आतंक से निश्चित रूप से डरेंगे और दूसरा कानून की सख्ती के वजह से अवैध रूप से बनने वाले कच्ची शराब पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। निश्चित रूप से ये फैसला आने वाले समय में जहरीली शराब बनाने वालों के लिए कहर बनकर बरपेगा।